बार बार एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के बाद कैसी होती है, लाइफ बहुत अच्छी होती है, इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। आखिर ऐसा है क्यों, ये समझने के लिए सबसे ज़रूरी है जो हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर हम बोन को नहीं काटते हैं तो बोन हीलिंग टाइम कम हो जाता है। अगर हम कन्वेंशनल सर्जरी करते हैं तो लगभग 2 महीने तक हमें स्ट्रेट लेटना होता है, हम करवट नहीं ले सकते। आप स्ट्रेट लेटते हैं जो कि एक बेहद कठिन काम है। लोगों की नॉर्मली किसी लेटरल साइड पे या करवट लेकर के सोने की आदत होती है और वो आदत परेशान कर सकती है क्योंकि बोन हील नहीं हुई होती है। एक ये, दूसरा वजन उठाना कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी के बाद लगभग 3 महीने के लिए एकदम बंद है। तीसरा ड्राइविंग, फोर व्हीलर ड्राइविंग भी लगभग 2 महीने बाद शुरू होती है और 2 व्हीलर ड्राइविंग लगभग 3 महीने बाद शुरू होती है जबकि बोन की हीलिंग कंप्लीट हो गई है। ये कन्वेंशनल सर्जरी के ड्रॉबैक हैं। इंडिपेंडेंट मोबिलिटी, आपको पेशेंट को उठाना पड़ता है, जब वो उठ जाएं उसके बाद वो बाथरूम तक जा सकते हैं या ऐसे तमाम अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन तब तक हमें उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। जबकि अगर हमने मिनिमली इन्वेसिव कार्डिक सर्जरी करी है तो उस करवट से भी सो सकते हैं, दूसरी करवट से भी सो सकते हैं और जो भी एक्टिविटीज़ हैं अपनी, वजन उठाना या ये सारी एक्टिविटीज़ वो बदस्तूर कर सकते हैं। इवन अगर वो बैक टू नॉर्मल अपने ऑफिस जाना चाहें तो वो भी 2 हफ्ते में, मैक्सिमम 3 हफ्ते में संभव है। ड्राइविंग 2 से 3 हफ्ते में संभव है। तो जो सारा रेस्ट्रिक्शंस मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी कन्वेंशनल सर्जरी के हैं वो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी हटा देती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है स्पेशली यंगस्टर्स के लिए।